ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। क्या आपको पता है बेलपत्र जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, इससे हम बहुत सी असाध्य बीमारियों को दूर कर सकते हैं? नहीं ज्ञात है तो हम बताएंगे इस वीडियो में आपको कैसे उपयोग करना है। इसे हम बहुत सी बीमारियों में, पेट के सभी रोगों में उपयोग करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ मुख्य तीन में बताऊँगा। जैसे शुगर में, जिसको शुगर की समस्या है, तो इसके पत्ते या इसके फल का गूदा ले करके उसमें एक दो काली मिर्च डाल करके सुबह शाम लेते हैं तो शुगर में बहुत ही लाभ करता है, यानी शुगर को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से आईबिया श्रृंगेड़ी या पेचिस बोलते हैं, उसके लिए तो रामबाण है। उसमें करना क्या है, 6 ग्राम इसके फल का गूदा और इसका आधा 3 ग्राम सौंठ पाउडर और उसमें 3-4 ग्राम गुड़ लेकर के तीनों को मसल करके आपस में सुबह शाम ताजे पानी के साथ लेते हैं। और उससे अति उत्तम है कि छाछ के साथ लें हम, यानी गाय के मट्ठे, गाय के दूध के मट्ठे के साथ। तो साथ में हम भोजन बंद कर दें 2-3 दिन, सिर्फ छाछ पे ही रहें, खाली गाय का छाछ पीते रहें, तो जो 20-25-30-40 साल पुरानी संग्रहणी IBS है वो भी ठीक हो जाएगी, अन्यथा दवाइयों से वो ठीक नहीं होती है। एलोपैथ और सीरी से तो संग्रहणी ठीक किसी की हुई नहीं, क्योंकि बहुत हमारे पे फ़ोन कॉल्स आते हैं तो हमें पता है। और साथ में उसको अगर 3 दिन तक तो कर ही लें, छाछ पे निर्भर रहे, 4th दिन से भोजन करें तो चावल, मूंग की दाल, खिचड़ी और हल्का सेंधा नमक डाल करके बना करके खाएं, तो आप देखेंगे। और रोटी नहीं खानी है। देखिए IBS की प्रॉब्लम क्या है कि ग्लूटीन होता है गेहूँ में जाके, जो आंतों में चिपक जाता है और संग्रहणी को बढ़ाता है। इसलिए आप इसमें संग्रहणी ना बढ़े, उसे कंट्रोल किया जा सके, तो गेहूँ की रोटी ना खाएँ, मिक्स आटे की रोटी खाएँ और साथ में उसके घी लगा कर खाएँ, बिना घी लगाए ना खाएँ, वो भी देसी गाय का घी, तो बहुत जल्दी संग्रहणी रोग दूर हो जाता है। इसके लिए अन्य औषधियाँ भी हैं, आयुर्वेद में तो है, एलोपैथ का पता नहीं। तो इसका उपयोग करके देखिए, संग्रहणी के मरीजों को बहुत ही लाभ मिलेगा। जो पीड़ित हैं, जिनकी आंतों में बहुत इन्फेक्शन है, उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। तीसरा है कि दुर्बलता, जैसे शारीरिक दुर्बलता हो गई, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, साथ में वीर्य की दुर्बलता हो गई, मस्तिष्क दुर्बलता हो गई, तो उसमें भी इसको हम उपयोग कर सकते हैं। उसमें इसके हमें गूदे को लेना है, इसके पुचूर्ण को मिश्री मिले दूध में, रोज़ रात को 1 चम्मच खाते हैं तो हम धीरे धीरे देखेंगे हमारी शारीरिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता और जो हमारे वीर्य की कमजोरी है वो भी सही हो जाती है। इस प्रकार से बेल पत्री जो है बहुत ही लाभकारी है, तो इसका उपयोग करिएगा। और जहाँ तक संभव, अगर आपके आसपास जगह है नहीं है, तो जहाँ मंदिर या जिसके यहाँ जगह, उसके इसके पौधे लेकर दान करिए, इसको लगवाइए, ताकि इसका संरक्षण हो सके और हम फल पत्ते सब उपयोग में ला सकें और पर्यावरण को बचा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की।